Good morning, class 5th. How are you all? Take out your EVS book, Our Green World. Take out a pencil. Children, as we have completed our course for formative 1, we have done chapter number 1, we have done chapter number 2, we have also revised them, we have done all the activities related to the chapters. So today we are starting chapter number 3, International Days. Today we will start chapter number 3, International Days. Just take out page number 10. Take out page number 10. We'll start International Days reading. Children, what is the meaning of International Days? International matlab Antarashtriya Divas. Antarashtriya matlab jo puri duniya bhar mein manaye jate hain. देखो कुछ तो नेशनल डेज होते हैं, जैसे कि गांधी जयंती है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे. ये हमारे देश में मनाए जाते हैं, ये बाकी देशों में नहीं मनाए जाते क्योंकि इसकी हिस्ट्री हमारे देश से जुड़ी हुई है. लेकिन कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो पूरे दुनिया में मनाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में मनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेज. ठीक है, तो आज हम वो इंटरनेशनल डेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाए जाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया. Alright, so take out page number 10 and we will start reading the first page of this chapter, International Days. Hold a pencil in your hand, children, and you all have to read along with me. First of all, International Days. The days which are celebrated all over the world are called International Days. वो दिन, वो दिवस जो पूरे दुनिया भर में मनाए जाते हैं, सिर्फ एक देश में नहीं पूरे दुनिया भर में मनाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेज. जैसे कि एनवायरमेंटल डे, लिटरेसी डे, हेल्थ डे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई. कौन कितना पढ़ा लिखा होता है उसे उतना लिटरेट बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे इलिटरेट बोलते हैं. हेल्थ, हमारी सेहत. आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरनेशनल डेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. वो दिन जो पूरे दुनिया भर में पर्यावरण दिवस के नाम से मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे के नाम से मनाया जाता है. टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट 5th June एज एनवायरमेंट डे. सी चिल्ड्रन, पूरे, क्योंकि आपको पता है इतने लोग हैं, इतने लोग इतनी सी दुनिया में रहते हैं, कितना पोल्यूशन करते हैं, कि चीजों को जलाते हैं, गार्बेज थ्रो करते हैं जगह जगह पे, व्हीकल्स यूज करते हैं, स्मोक होता है, फैक्ट्री स्मोक बाहर निकालती है, कितना पोल्यूशन होता है, एयर कितनी गंदी हो जाती है. तो अपने एनवायरमेंट को इस पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया में एक दिन किस नाम से मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के नाम से मनाया जाता है. कब मनाया जाता है, 5th June. अब देखो आने वाला है ना 5th June, मैं आपको एनवायरमेंट डे से रिलेटेड कोई एक्टिविटी दूंगी 5th June को. ठीक है, जब हम अपने एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे. वैसे तो आजकल सारे दिन एनवायरमेंट डे है, कैसे, क्योंकि हम सब घर में बैठे हैं लॉकडाउन में, एनवायरमेंट को कोई खराब ही नहीं कर रहा है. सो दिस इज द बेस्ट वे टू कंजर्व एनवायरमेंट. भले ही हम सब इतनी प्रॉब्लम में है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस प्रॉब्लम के वजह से हमारा एनवायरमेंट कितना अच्छा हो गया है, हमारी नदियां साफ हो गई है, हमारी एयर पोल्यूशन फ्री हो गई है. तो कहीं ना कहीं इसके बहुत अच्छे पॉइंट्स भी है देखने को. तो एक 5th June ही सिर्फ हमारे एनवायरमेंट डे नहीं रह गया, आजकल तो हमारे सारे डेज ही एनवायरमेंट डे चल रहे हैं. तो 5th June आने वाला है, हम इसे सेलिब्रेट करेंगे एज अ एनवायरमेंट डे. द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वॉज डिक्लेयर्ड बाय द UN ऑन 5th June 1972. तो एनवायरमेंट डे किसने डिक्लेयर किया था, UN. UN क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशन ने इसे डिक्लेयर किया था कब, 5th June 1972 में. ऑन एनवायरमेंट डे मेनी प्रोग्राम्स आर हेल्ड इन स्कूल्स. एनवायरमेंट डे के दिन में स्कूल्स में कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे चिल्ड्रन प्लांट ट्रीज, दे मेक अट्रैक्टिव पोस्टर्स लाइक पोल्यूशन फ्री जोन, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, आर सम कॉमन स्लोगन्स विच चिल्ड्रन यूज ऑन बैनर्स. चिल्ड्रन मार्च भी निकालते हैं पूरी सिटीज में बैनर्स लेके, लोगों के अंदर एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए कि हम सबको मिलके अपने एनवायरमेंट को बचाना चाहिए.
Many programs are held in community centers. Scientists and environmentalists discuss the measures to be taken. साइंटिस्ट जो एनवायरमेंट में के लिए काम करते हैं वो सब मिलके ऐसे ऐसे मेजर ऐसे ऐसे तकनीकें सोचते हैं जिससे हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन रख सकें. दे टेल पीपल हाउ इम्पोर्टेंट द एनवायरमेंट इज फॉर देम. ये हमें बताता है बार बार कि कितना जरूरी है. देखो एनवायरमेंट कुछ भी कर सकता है हमारे साथ. हमें तो पता चल गया ना, आप तो भी छोटे हो, आपको अभी से पता चल गया कि एनवायरमेंट क्या कर सकता है. अगर हम अपने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, हम उसे गंदा करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो हम सबको घर के अंदर बिठा देगा. बिठा दिया ना एनवायरमेंट ने हमें घर के अंदर. अभी हम सब घर के अंदर बैठ गए ना. क्यों बैठे? क्योंकि हम सबने मिलकर एनवायरमेंट को इतना गंदा किया, पोल्यूशन मचाया, गार्बेज थ्रो करा, कभी ध्यान नहीं रखा, कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हैं. इसी वजह से तो हुआ ये सब. अब जब हम ये सब करना बंद कर देंगे, हम अपने अर्थ को, अपनी नदियों को, अपनी एयर को साफ करना शुरू कर देंगे, तो एनवायरमेंट हमसे हैप्पी हो जाएगा और वो बोल देगा ठीक है अब तुम बाहर निकल सकते हो. ओके, सो दे हमें हमेशा एनवायरमेंट डे के थ्रू ये बताया जाता है कि क्यों हमें अपने एनवायरमेंट को साफ रखना चाहिए और ये हमारे लिए कितना जरूरी है. नाउ कम टू इंटरनेशनल लिटरेसी डे. लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई. ठीक है, जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें लिटरेट कहते हैं, जो अनपढ़ होते हैं उन्हें इलिटरेट कहते हैं. देखो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है. अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप ये रीडिंग कैसे करोगे? अब देखो अगर मैं पढ़ती ना तो मैं आपको पढ़ा पाती? नहीं पढ़ा पाती ना. देखो और आप नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के क्या होगा? आपको कुछ आएगा ही नहीं, आपको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना. तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है. इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर एवरी ईयर. इट वॉज फर्स्ट कंसिडर्ड बाय यूनेस्को. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को चिल्ड्रन? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑन 8 सितंबर 1966. ये दिन पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है. मेनी लिटरेसी प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस डे. लीडर्स एंड एजुकेटेड पर्सन टेल पीपल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेसी. लोगों में पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया जाता है क्यों पढ़ना लिखना जरूरी है. दे अरेंज मीटिंग्स इन द सिटीज. दे परसुएड एजुकेटेड पीपल टू कम फॉरवर्ड. ये एजुकेटेड पीपल जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो फॉरवर्ड आए ताकि टू इरेडिकेट द कर्स ऑफ इलिटरेसी, ताकि हम अपनी दुनिया से ये जो इलिटरेसी अनपढ़ जो लोग पढ़ नहीं पाते इस चीज को हटा सके, हर किसी के अंदर ज्ञान बांट सके हम. ईच वन टीच वन. क्या लोग बोलते हैं ये कितना अच्छा लोग है. देखो ईच वन टीच वन. आपको कुछ आता है, आप किसी एक को वो नॉलेज बांट दो तो उसमें भी वो नॉलेज आ जाएगी, वो आगे चल के किसी और एक में वो नॉलेज बांट देगा. इस तरह चेन. देखो ये एक वायरस जो आजकल फैला हुआ, एक वायरस था, वो एक ने दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे. जब एक वायरस इतनी जल्दी स्प्रेड हो सकता है तो सोचो आपकी पढ़ाई हुई चीज कितनी जल्दी स्प्रेड होगी. तो एक इंसान अगर एक इंसान को भी पढ़ाएगा सिर्फ, तो वो आगे बढ़ते 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 हर किसी में ज्ञान बढ़ जाएगा. एंड यू हु कैन रीड टीच एंड इलिटरेट. आपके घर में काम करने वाले लोग आते होंगे, कुछ लोग आते होंगे जिन्हें नहीं आता होगा कुछ भी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया करें ताकि उन्हें भी पता चल सके पढ़ाई लिखाई के बारे में, ज्ञान के बारे में. आर गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग इट्स बेस्ट इन दिस डायरेक्शन. इट हैज इम्प्लीमेंटेड एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स. आपको पता है तो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च हो गए. इसका मतलब कहते हैं जहां बड़े बड़े लोग जो बचपन में नहीं पढ़ पाए वो जाके पढ़ सकते हैं. मॉर्निंग में भी क्लासेस होती है, नाइट में भी क्लासेस होती है. जो मॉर्निंग में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो रात को जाके पढ़ सकते हैं. अंडर विच एडल्ट आर टॉट. इन मेनी स्टेट्स एजुकेशन अप टू क्लास फिफ्थ हैज बीन मेड कंपल्सरी एंड चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट. कई जगह पे तो ऐसा भी है कि फिफ्थ क्लास तक की एजुकेशन सबके लिए कंपल्सरी कर दिया है और बुक्स भी उन लोगों को जो लोग सक्षम नहीं होते, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, बहुत गरीब होते हैं, उनको गवर्नमेंट बुक्स भी फ्री में देती है ताकि वो पढ़ सके. ऑलराइट चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन टूडे इन योर होमवर्क यू विल रीड इंटरनेशनल डेज पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11 फर्स्ट पैराग्राफ योर सेल्फ and try to understand what I was trying to say through my video. Okay? So read the chapter. Bye-bye.